नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत, अरे भाई डरो मत। नो, जिसको जाना है जाने दिया से क्यों, प्लीज कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, नो, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ, और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को साच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन जैसे ही दोनों सदन सबके सहयोग से पारित करते हैं, उसके साथ ही देश की लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाए। इसलिए ये बिल के अंदर अनुच्छेद 239A जो दिल्ली की विधानसभा से संबंधित है,
उसमें बदलाव लेकर मेरे साथी मंत्री मेघवाल जी आए हैं। नया अनुच्छेद 303-30A जो लोकसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, नया अनुच्छेद 332A जो राज्यों की विधानसभा में एक तिहाई मातृशक्ति का आरक्षण करेगा, और इसके साथ साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए जितनी भी सीटें रिजर्व है उसमें भी एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं के अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाएगा, और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्माननीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था इसका आकलन करना है कि सिद्धांत के प्रति मान्यता कितनी दृढ़ है, तो कोई एक घटना, कोई एक कदम से नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव थे गुजरात प्रांत के, और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की वडोदरा कार्यकारिणी हुई थी, उस ऐतिहासिक कार्यकारिणी में मोदी जी के रोल के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक पदों में एक तिहाई रिजर्वेशन माताओं के लिए किया गया। और ऐसा करने वाले मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी सबसे पहली पार्टी है और मेरी पार्टी सबसे अंतिम पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, ढेर सारे लोगों को मुख्यमंत्री रहते हुए ढेर सारी भेंटें मिलती हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग इसको तोशाखाना में आरक्षित रखवा देते हैं। मोदी जी ने उस वक्त निर्णय किया था और सार्वजनिक घोषणा भी की थी कि जितनी भी भेंट आएगी उसका ऑक्शन होगा और वो बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम रहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना। 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित करने के बाद चुना हुआ, और 30 साल के बाद इस देश की महान जनता ने पूर्ण बहुमत की एक सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का मैंडेट, और जब सरकार बनाने का समय आया तब
मोदी जी का स्वाभाविक था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना, और इस्तीफा देने के बाद ही वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो मुख्यमंत्री पद से जब मोदी जी ने इस्तीफा दिया, तब इनके बैंक अकाउंट में माननीय अध्यक्ष जी, भाई उनको जवाब न दो, इनके बैंक अकाउंट में जितना भी मुख्यमंत्री की तनख्वाह से और जितना भी पैसा बचा था, वो सारा का सारा गुजरात सचिवालय की वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए कोई सर्कुलर नहीं था, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था। यही मोदी जी थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में दिया, और गुजरात में उनके प्रयासों से जन जागृति के माध्यम से कोई कानून के बगैर लिंग अनुपात के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लाखों लाखों बेटियों को पृथ्वी पर आने का अधिकार इस नरेंद्र मोदी जी ने। धूमधक की धूप में मई महीने में पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरी की पूरी सरकार 5 दिनों तक गर्ल चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए गांव गांव में जाती थी। कोई कस्बा ऐसा नहीं होता था जहां पर सरकार के पदाधिकारी नहीं जाते थे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत के सदस्य, तहसील पंचायत के सदस्य, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी लोग जाते थे और बच्चों बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके एनरोलमेंट के लिए और ड्रॉप आउट रेशियो के कम करने के लिए, उनको फिर से पुनः दाखला दिलाने के लिए गांवों में निवास करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका परिणाम क्या था? एक और तो लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर आया, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो लेगेसी छोड़कर गई थी गुजरात में, उसमें प्राइमरी एजुकेशन में 37% ड्रॉप आउट रेशियो था, और मोदी जी जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के आए, तब वो 30% ड्रॉप आउट रेशियो घटकर 0.70% रह गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मान्यता का मुद्दा है, हमारे स्वभाव का मुद्दा है, हमारी कार्य संस्कृति का मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था, पहले रोक लिया गया, ये सब बातें तो मैं बाद में बताता हूं, परंतु ये जो महिला सशक्तिकरण की बात है, ये कोई ये संविधान संशोधन से जुड़ी हुई नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता, ये तीनों चीजें जिस दिन मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार का श्वास और प्राण दोनों बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष, कई ऐसी चीजें हैं जो हुई है। आज मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में बैंक अकाउंट नहीं था। मोदी जी ने जनधन योजना चालू करी, बैंक अकाउंट खोलने का अभियान चालू किया, 52 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, और 52 करोड़ बैंक अकाउंट में से 70% बैंक अकाउंट माताओं के नाम से खोले गए। माननीय अध्यक्ष जी, माताओं के नाम से आज महिला सशक्तिकरण हुआ है। सारी योजनाओं का जो पैसा जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? अरे सुनने की आदत डालो भाई,
आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? माने सदर प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूं। आप कौन फैसला करने वाले होते हैं माननीय गृह मंत्री जी? माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई भी स्कीम का पैसा जाता है तो वो महिला के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और माँ को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। 11 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। मोदी जी ने पहले 5 साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख। सदन की सहमति हो तो इस विधेयक के प्रस्ताव को पारित होने तक और चर्चा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने, किसका एम्पावरमेंट हुआ? ये 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनने से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान हुआ, उनका सशक्तिकरण हुआ। 10 करोड़ परिवार धुएं से युक्त थे, कंडे और टहनियां जलाकर आंख का नेत्रमणि खत्म हो जाता था, फेफड़े फाइब्रोसिस से भर जाते थे। 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ्त कनेक्शन देकर माताओं का सशक्तिकरण करने का काम किया। 3 करोड़ से ज्यादा माताओं को घर दिया और वो घर माता के नाम से करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय 12 करोड़ घर ऐसे थे जहां पीने का पानी नहीं था। अब जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जमीन को जानते हैं, उनको मालूम है कि घर में पीने का पानी नहीं है तो पीड़ा सबसे ज्यादा किसको होती है, किसको ज्यादा तकलीफ होती है। घर में पीने का पानी नहीं है तो घर की माता को ही तकलीफ होती है। 12 करोड़ परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने। हर घर के अंदर 80 करोड़ लोगों को, हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। जब चूल्हा नहीं जलता है ना मान्यवर, बच्चे भूखे रहते हैं तो सबसे बड़ा चूल्हा तो नहीं जलता है मगर माँ का दिल जलता है। मान्यवर, माँ का दिल जलता है। ये भूखे परिवारों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले। मान्यवर, 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है,
महिला पुरुष से ही दिया जाता है, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी, ये सम्मान करने के लिए एक आरक्षण। माननीय, इस देश में जो भी रहता है जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी है वो कोई भी महिला को कमजोर उबारने की गलती नहीं कर सकता। माननीय, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी तीन स्वरूप है देवियों के। दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, सरस्वती विद्या का स्वरूप है और लक्ष्मी ऐश्वर्य का, वैभव का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूपों में हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने मां की ही कल्पना की है, कहीं और किसी की कल्पना नहीं। मान्यवर, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है, जड़े भारत से नहीं जुड़ी है। मैं कहना नहीं चाहता जड़े कहां जुड़ी है, जड़े अगर भारत से जुड़ी है तो तकलीफ नहीं पड़ती। मान्यवर, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हजारों वर्ष से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह और हजारों वर्ष के हमारे देश के इतिहास के अंदर कई सारी ज्ञान की नई नई विधाएं और ज्ञान के नए नए आयाम हुए। कहीं वेदों की ऋचा है, कहीं उपनिषदों के मंत्र हैं, कभी पुराणों के श्लोक पड़े हैं। ऋग्वेद के कुल 422 मंत्रों में महिलाओं का महिमा मंडन करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। वेदों की रचना में योगदान देने वालों में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, विश्वंभरा, श्रद्धा, संध्या, देवयानी, सची, अदिति, लोपामुद्रा, ये सारी माताओं ने वेदों को संवेदना से परिपूर्ण कर समग्र चराचर की चिंता करने वाली है। मान्य अध्यक्ष जी, कहा जाता है अदिति को इंद्र की मां कहा जाता है। मान्यवर, अदिति चारों वेदों में पारंगत थी और चारों वेदों को पूर्ण करने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मान्यवर, शासन की बात करें तो 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी दिद्दा, कातकीय वंश की रुद्रमा, 13वीं शताब्दी में रानी दुर्गावती, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली जिजाऊ, रानी चेन्नम्मा, महारानी अब्बक्का और महारानी लक्ष्मीबाई को इस देश का समाज और इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मान्यवर, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, वड़वा, प्रतिथेय, अरुंधति और सावित्रीबाई फुले ने इस समाज को संपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया। हमें बिल जो लेकर आए हैं मान्यवर, ये भाव से लेकर नहीं आए, एक प्रकार की समाज व्यवस्था बनी है और समाज व्यवस्था में क्षति है, एक क्षति को सुधारने के लिए, महिलाओं को प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए 50% आरक्षण देकर आज हम यहां पर आए हैं। मान्यवर, जहां तक ढेर सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें की है मान्यवर, मैं आज यहां कुछ चीजों का जवाब भी जरूर देना चाहूंगा। मैं इससे पहले स्पष्ट कर देता हूं, कोई ये जवाब को अपने दिल से न लगा ले, मैं किसी भी दल के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। बहुत मौके आएंगे जहां राजनीतिक उत्तर देने की जरूरत होगी, दमखम के साथ देंगे, डट कर देंगे, परंतु एक ऐसा मौका है जिसमें ये सदन ने समग्र देश को ही नहीं मान्यवर, आपके माध्यम से समग्र विश्व को ये संदेश देने की जरूरत है कि मोदी जी ने जिसकी कल्पना करी, एक वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए पूरा सदन एकमत। मान्यवर, मगर कुछ चीजें यहां कही गई है, इसलिए मेरा बहुत जरूरी है कि इसकी स्पष्टता कर दी जाए। मान्यवर, ये जो प्रयास है ये वो पांचवा प्रयास है। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार
ये संविधान संशोधन नहीं आया है, तो क्या हुआ वो चार संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में दो बार अटल जी ने, चार बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? क्या प्रयास अधूरे थे? क्या मनसा अधूरी थी? या कुछ लोगों ने इस प्रकार का किया कि आगे हो ही न पाए? मान्यवर, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले इस संविधान संशोधन विधेयक 81वें संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 में आया, देवगौड़ा जी का। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, इसका पूरा यश कांग्रेस पार्टी में के अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, आप भी वोट दे दीजिए, सहमति दे दीजिए, अपने आप आपको वोट मिल जाएगा। परंतु मैं जो स्थिति है, जो सच्चाई है, वो देश की करोड़ों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं। ये विधेयक को सबसे बार पहली बार लेकर आए एचडी देवगौड़ा, प्रधानमंत्री जी थे तब ये सरकार लेकर आई। मान्यवर, उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठा करती थी। देवगौड़ा जी की नहीं, और उनके ही कारण गिर गई थी, सरकार में नहीं थे, सरकार में नहीं थे। अरे बैठो यार। मान्यवर, विधेयक सदन में रखने के बाद विधेयक को गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति को दे दिया गया, और संयुक्त समिति ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु दुर्भाग्य से विधेयक कभी सदन तक पहुंच नहीं पाया, आया ही नहीं। क्या हुआ मालूम नहीं। और जब 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया तो अनुच्छेद 107 के तहत इस विधेयक को लैप्स माना गया और विधेयक वहीं चला गया। मान्यवर, फिर अटल जी प्रधानमंत्री बने 14 दिसंबर 1998 में, 84वां संविधान संशोधन विधेयक आया, और ये विधेयक 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि इसको पेश ही नहीं करने दिया। कुछ दृश्य हुए थे इस सदन में, मैं बोलना नहीं चाहता, अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिए। नहीं, वो ठीक है भैया, नहीं अभी भी कर रहे हो ना, आप अभी भी कर रहे हो। मान्यवर, और 12वीं लोकसभा के साथ अनुच्छेद 107 के तहत वो विलोपित हो गया। फिर 13वीं लोकसभा में अटल जी ही प्रधानमंत्री थे, और हम फिर से बिल लेकर आए, और उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। अब किसने नहीं की, किसने नहीं की, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज मैं किसी को दोषारोपण करने के लिए नहीं आया हूं। मगर इस संसद ने, इस सम्माननीय गृह ने कभी न देखे हो इस प्रकार के कुदृश्य 13वीं लोकसभा में देखे, जो पुराने अनुभवी सांसद है उन्होंने देखे हैं। मान्यवर, और वो भी अनुच्छेद 107 के तहत विलोपित हो गया। इसके बाद में संविधान का 108वां संशोधन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए। मनमोहन सिंह जी संशोधन लेकर आए, वो पहले राज्यसभा में रखा, राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में लोकसभा में लाने का मौका ही नहीं हुआ, और वो विधेयक भी विलोपित हो गया। तो कल जो मैं कहता था अधीर रंजन जी कि विधेयक, आपने कहा कि विधेयक अभी लंबित है, लंबित नहीं है, जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है। बैठ जाओ, मैं समझा देता हूं, आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं। मान्यवर, जब लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है, तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक जितने भी है वो विलोपित हो जाते हैं, यहां पर नहीं रहते। नहीं, कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक क्यों फिर से लाना पड़ा, हमारा विधेयक पड़ा है, नहीं पड़ा है, इसलिए विधेयक फिर से लाना।
माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, इनको अनुमति नहीं दी आप। माननीय मुझसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, अपने 60 साल का हिसाब नहीं देते। अब कौन समझाए, देश की जनता देख रही है। माननीय माननीय ये विधेयक 5 बार आया, 4 बार आया, 4 बार पारित नहीं हो पाए। हर बार इस देश की मातृशक्ति को हमारे सदन ने निराश किया है। मैं आज पक्ष विपक्ष के सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब एकत्रित होकर ये नई शुरुआत को आज सर्वानुमत से संविधान को संशोधित कर मातृशक्ति को आरक्षण देने का। माननीय मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई राजनीतिक उठापटक या जवाब देना नहीं चाहता, परंतु कई सारे सवाल उठाए गए, हमारी मंशा पर भी सवाल उठाए कि भाई तुरंत अमल में क्यों नहीं लाते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और 2026 क्यों। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है, और इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। माननीय अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है। माननीय ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं। माननीय अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330 ए और आर्टिकल 332 ए इसके माध्यम से वुमन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है, और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। माननीय अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है, और वो अपॉइंटमेंट से होती है मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के 1-1 सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 माननीय 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा, ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे, हम करें और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे, हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर
हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है माननीय, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और माननीय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है, हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को अब इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया, एक बार शुरुआत करनी चाहिए, और एक बार शुरुआत करें उसके बाद पहला डिलिमिटेशन कमीशन। मगर पारित नहीं हुआ माननीय, ये कमिटी में रखना ही शुरुआत मानते हैं। इनके जो नारे हैं गरीबी हटाओ जैसे हैं, 50 साल हो जाए मगर गरीबी नहीं हटती। हम ऐसे नहीं है माननीय, हम तो जो कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। माननीय, इससे कोई देरी नहीं होनी है, चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे, और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में एक तिहाई माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। माननीय, अभी अभी हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है, उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। माननीय, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण, इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29% 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और माननीय, और मंत्री, माननीय मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। माननीय, सस्ते चुनावी वादे करना और पॉलिटिकल भाषण करना, दादा नए सदन में तो उम्र के हिसाब से कुछ करिए। माननीय, बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है, ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। माननीय, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है 40% है, ये 33% की बात करते हैं। माननीय, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है चीट, यहां आकर पढ़ जाना ठीक है भैया, मन से
मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया, उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार। और माननीय आज देश के 80 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, बिजली, पानी, दवाई, गैस का सिलेंडर और खाने के लिए अनाज देने के बाद आज माताओं के लिए 33% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मोदी जी ने ये जो वादा किया था माननीय